और आज जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त। प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की किस्त। समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 12:30 बजे वर्चुअली जारी करेंगे सम्मान निधि की ये पहली किस्त, अगली किस्त। और 9,75,00,000 से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को फायदा मिलेगा। 19,500 करोड़ से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। पीएम किसान योजना किसानों के लिए खुशखबरी। 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सम्मान निधि के पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसके तहत अब तक किसानों के खाते में 12 किस्त के पैसे सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वहीं अब किसान पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का इंतजार बहुत जल्द ही किसानों का खत्म होने वाला है। पीएम किसान योजना के तहत पहली किस्त 1 अप्रैल से 30 जुलाई के बीच दी जाती है। दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। वहीं तीसरी किस्त की बात करें तो 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च के बीच किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। और बहुत जल्द ही किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त की धनराशि ट्रांसफर की जा सकती है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको ईकेवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपने अपनी ईकेवाईसी अभी तक अपडेट नहीं करवाई है तो आप खाते में पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त की धनराशि नहीं ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि जिन किसान भाइयों ने अपनी ईकेवाईसी अपडेट करवा रखी है उन किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त इसी हफ्ते ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यानी कि आप मान सकते हैं कि जिन किसान भाइयों ने अपनी ईकेवाईसी तथा भूलेख सत्यापन करवा रखा है उनके खाते में पीएम किसान योजना के 2,000 रुपये इसी हफ्ते जारी हो सकते हैं। धन्यवाद।